सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, इंडिया ओवर से न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज, जो कि न्यूजीलैंड की टीम ने 2-1 से जीत लिया। और इस 3 T20 मैचों की सीरीज के फाइनल यानी कि तीसरे T20 मैच में, जहां एक रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को सिर्फ 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा, और ये 4 रन काफी ज्यादा महंगा साबित हुआ भारतीय टीम के लिए, जिससे टीम इंडिया को यह सीरीज भी गंवानी पड़ी। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उन 3 बड़े गलतियों की वजह से जिसे भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा तीसरे यानी कि फाइनल T20 मैच में, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में एक बार फिर से कई गलतियां की, जिसकी वजह से तीसरा T20 मैच हारना पड़ा, और इस हार की वजह से भारतीय टीम को ये सीरीज भी गंवानी पड़ी। तो चलिए उन गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं जिसे भारतीय खिलाड़ियों ने की तीसरे T20 मैच में। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी गलती यह रही, जो कि फील्डरों ने काफी खराब फील्डिंग की तीसरे T20 मैच में और कई बड़े बड़े कैच छोड़े, जो कि इस मैच में भारतीय टीम के फील्डरों ने कई गलतियां की और कैच भी बहुत ही ज्यादा छोड़े, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने बड़े बड़े शॉट खेले और एक के बाद एक चांस मिलता गया और न्यूजीलैंड की टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंच गई। दोस्तों, इसके बाद दूसरी बड़ी गलती, जो कि दिनेश कार्तिक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी एक गलती कर बैठे, जो कि इस मैच के आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने करुणाल पांड्या को रन लेने से मना कर दिया, जबकि करुणाल पांड्या भी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाज के पास लंबे सिक्सर लगाने की काबिलियत थी, जो कि तीसरी गेंद पर रन लेने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद चौथी गेंद पर मजबूरन रन लेना पड़ा। तो ऐसे में सिर्फ 2 गेंदों पर भारतीय टीम के खाते में सिर्फ 1 रन जोड़ा, और अगर तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक सिंगल ले लेते तो ऐसे में करुणाल पांड्या कहीं न कहीं चौथे गेंद पर एक बाउंड्री लगा सकते थे और इस मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। हालांकि दिनेश कार्तिक ने छठी गेंद पर भी सिक्सर लगाए, जिसका कोई भी फायदा नहीं मिला भारतीय टीम को और 4 रन से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, इसके बाद तीसरी गलती ये भी मानी जा रही है, जो कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, जो कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में पहले टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिस वजह से कीवी टीम के बल्लेबाज पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहे। दोस्तों, T20 सीरीज भारतीय टीम तो हार गई है, लेकिन काफी जबरदस्त और काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिला दोनों ही टीमों की तरफ से। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। आपके हिसाब से किस वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा तीसरे T20 मैच में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।